नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिज़ाइन और आज मैं आप लोगों के लिए 26x47 फीट का उत्तरमुखी घर का नक्शा लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह जो नक्शा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस नक्शे का डिज़ाइन जो है एक सब्सक्राइबर के अनुरोध पर किया गया है और यह जो प्लॉट है वह उत्तर से और दक्षिण से दो तरफ से ओपन है, बाकी पूरब और पश्चिम से अदर प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। हो सके तो दोस्तों भी शेयर करें, जिससे कि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट है, 26 फिट और इसका लंबाई है 47 फिट। यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस दिया गया है और यहीं पर आपको एक पोर्च मिल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है एंट्रेंस के लिए अच्छा माना गया है और यहीं पर ही पोर्च बनाया गया है। पोर्च का साइज है 11 फिट 9 इंच बाई 16 फिट का, तो आप इसमें बड़े आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रंट में 4 फिट चौड़ा आपको लॉन मिल रहा है, आप यहाँ पर फूल पौधा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट में एक बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज है 12x12 फिट का और यहाँ पर देखिए खूबसूरत बेड का भी लेआउट किया गया है और यहाँ पर आपको एक कपबोर्ड मिल रहा है और यहाँ पर मुख्य द्वार आएगा। तो आएंगे हम लिविंग ऑब्लिक डाइनिंग में। लिविंग ऑब्लिक डाइनिंग का साइज है 13 फिट 9 इंच बाई 18 फिट का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 13 फिट 9 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 फिट है। यहाँ पर देखिए सोफे का अरेंजमेंट करके आपको समझाया गया है, आप यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल चेयर एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में आपको स्टेयरकेस मिल रहा है और जब भी आप लोग स्टेयरकेस या सीढ़ी का निर्माण करवाएं तो इस बात को ध्यान में रखें इसका घुमाव हमेशा दाहिने हाथ की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉमन टॉयलेट है, इसका साइज है 7 फिट 6 इंच बाई 5 फिट का और यहाँ पर अटैच टॉयलेट है, इसका साइज है 7 फिट 6 इंच बाई 4 फिट का। इन दोनों के लिए यहाँ पर देखिए OTS दिया गया है, इससे क्या होगा कि जो इसका वेंटिलेशन हो जाएगा और प्लम्बिंग वगैरह यहीं से हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज है 14 फिट 1 इंच बाई 12 फिट का और इसमें भी खूबसूरत बेड का लेआउट करके आपको समझाया गया है। एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ देखिए साउथ ईस्ट में किचन दिया गया है और फ्रेंड्स, जब आप किचन का निर्माण करवाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है वह हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए और गैस चूल्हे का भी लेआउट इसी जगह पर होना चाहिए। जैसे कि हम भोजन बनाएं तो अपना फेस पूर्व दिशा में हो तो यह उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, अच्छे प्लान के लिए आप किसी आर्किटेक्ट से ज़रूर संपर्क करें और उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संपर्क करना ना भूलें। यह कोई फाइनल प्लान नहीं है, यह सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।